आज की विकासशील दुनिया में लोग विभिन्न तरीकों और विभिन्न माध्यमों से अपनी आजीविका कमाते हैं। बदलते समय के साथ रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है। ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में कमाई के अधिक और विविध अवसर उपलब्ध हैं, जिससे लोगों के पास कमाई की संभावनाएं भी अधिक हैं। ग्रामीण आबादी काफी हद तक कृषि आय पर निर्भर करती है। अपनी आजीविका के लिए वो आज भी पारंपरिक स्रोतों पर ही निर्भर हैं, जैसे खेती, पारंपरिक हस्तशिल्प, अल्पकालिक व्यवसाय या छोटे श्रम आधारित कार्य। भारत की ग्रामीण आबादी आज भी अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए गरीबी से जूझ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यंत गरीबी की समस्या के समाधान के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को कौशल प्राप्ति के मार्ग पर ले जाएं, जिससे उन्हें रोजगार, स्वरोजगार और आमदनी प्राप्त हो सके। और फिर सन 1982 में एक उम्मीद की किरण उभरी, एक नई शुरुआत की किरण, ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार। ये दिशा परिवर्तक सोच लेकर आए कर्नाटक स्थित धर्मस्थला नाम के एक छोटे से शहर के मूल निवासी डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े। पिछले 45 सालों में मैंने पाया कि युवाओं को वास्तव में नौकरी की तलाश थी। आगे बढ़ने के लिए उन्हें बस अवसर चाहिए था। उनके पास आवश्यक ऊर्जा थी, क्षमता थी, उनमें कुछ करने का उत्साह था, लेकिन उनके पास अवसर नहीं थे। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करने के लिए पहले संस्थान की स्थापना हुई और जल्द ही ये एक आंदोलन बन गया। एक आंदोलन जिसने ग्रामीण रोजगार की दिशा ही बदल दी। आरसेटी का प्राथमिक उद्देश्य है प्रशिक्षण देना और ग्रामीण युवाओं की क्षमता और उनके आत्मविश्वास को विकसित करना, जिससे वे स्वरोजगार शुरू कर सकें या कहीं नौकरी कर सकें। और इन सब के लिए ये एक बहुत ही सफल मॉडल है। मंत्रालय दिशा निर्देशों के माध्यम से हमें सहयोग देता है। इमारत निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का एक मुश्त अनुदान मिलता है, साथ ही 200 रुपए प्रतिदिन प्रति उम्मीदवार की दर से भी हमें सहयोग मिलता है। 2009 में भारत सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए स्व प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किए गए कार्यों की पहचान कर इस आंदोलन को एक नया आयाम देने के लिए अपना सहयोग दिया। विभिन्न बैंकों की मदद से ग्रामीण विकास मंत्रालय देश भर में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने लगी। एसोसिएशन ऑफ सक्सेसफुल, ये उल्लास है सफल उद्यमियों का, उन प्रशिक्षुओं का जो इस संस्थान से प्रशिक्षित होकर सफलता के मार्ग पर बढ़ चले। अपनी प्रगति, अपनी उपलब्धियों पर चर्चा करने, किसी मार्गदर्शन के लिए या फिर अपने अनुभव साझा करने के लिए ये नियमित रूप से यहाँ इकट्ठे होते हैं। ये नियमित बैठकें ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान यानी आरसेटी के सहयोग कार्यक्रम का हिस्सा है, जो प्रशिक्षण समापन के कम से कम 2 साल तक प्रदान की जाती है। समस्थिति, समतल स्थिति 1, 2, 3, वज्रासन। अच्छा स्वास्थ्य सफलता की कुंजी है। आरसेटी में दिन की शुरुआत होती है योग से। आलोचने, विवेचने, अहंकार ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರಣಮಂ ಓಂಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗಣ। योग के एक संक्षिप्त सत्र से दिन की शुरुआत कर प्रशिक्षुओं को ऊर्जा और उत्साह प्राप्त होता है और फिर वो अपने संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षित होने के लिए अपनी अपनी कक्षा में चले जाते हैं। प्रत्येक प्रशिक्षु अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार अपना कोर्स चुनता है। प्रशिक्षुओं के चयन के लिए हमारे पास लगभग 250 से 300 पाठ्यक्रम हैं। आवेदन करते समय ही हम उन्हें समझाते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम स्वरोजगार पर आधारित हैं। हम पहले एक सर्वेक्षण करते हैं जिसमें हम जान सकें कि किस क्षेत्र में किस प्रकार के व्यवसाय की मांग है। आज की आधुनिक दुनिया में लोगों के बीच आपसी बातचीत का एक प्रमुख जरिया है मोबाइल फोन, जो लगभग सभी की जरूरत है। बदलते समय के साथ मोबाइल रिपेयर करने वाले पेशेवरों की मांग भी लगातार बढ़ रही है। नीलमंगला के संस्थान में मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स की काफी मांग है।
सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की थ्योरी क्लास जहां प्रशिक्षुओं को विषय का गहन ज्ञान देता है, वहीं व्यावहारिक प्रशिक्षण से उन्हें वास्तविक घटकों की पहचान होती है। अनुभवी शिक्षक नवीनतम उपलब्ध उपकरण से उन्हें परिचित कराते हैं और उन्हें बदलती तकनीक का ज्ञान भी देते रहते हैं। इन प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक ज्ञान लेने का भी मौका मिलता है, जिससे स्वयं पर उनका भरोसा बढ़ता है। इस कार्यक्रम में हमारे तीन उद्देश्य थे, पहला ओरिएंटेशन, दूसरा प्रशिक्षण। हमें उन्हें उन क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना होता है जहां उन्हें निपुणता की आवश्यकता है। हम प्रशिक्षु पर नहीं बल्कि उन्हें रोजगार के लिए सक्षम बनाने पर ध्यान देते हैं। एक सफल उद्यमी बनने के लिए कुछ विशेष गुण विकसित करने होते हैं, अच्छा व्यवहार, अनुशासित दृष्टिकोण और जोखिम लेने की क्षमता। ये कुछ लक्षण हैं जो किसी भी व्यवसाय की सफलता के निर्णायक होते हैं। प्रशिक्षुओं का व्यक्तित्व और उनके आंतरिक शक्ति का विकास पाठ्यक्रम का एक नियमित हिस्सा है। तो सभी बताया तो 15 फार्मूला में और कुछ बॉडी लैंग्वेज, बैंक का रिलेशनशिप, और बैंक में मैनेजर 3 बजे बुलाया तो तुम 4:30 बजे नहीं जाना, अब 2:30 बजे को जाना। ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला लिया तो RSETI का 15 फार्मूला है ना, फार्मूला लिया तो भी बिजनेसमैन हो जाता। सभी प्रशिक्षुओं को नियमित अंतराल पर स्वादिष्ट भोजन दिया जाता है, जो उन्हें स्वास्थ्य के साथ साथ पूरे दिन ऊर्जावान भी रखता है। पढ़ने के लिए टाइम टेबल के साथ साफ आरामदायक बिस्तर और सुव्यवस्थित छात्रावास जैसी सुविधा से इन प्रशिक्षुओं का अपना लक्ष्य केवल स्वरोजगार प्राप्त करने पर ही केंद्रित करने में मदद मिलती है। RSETI की सफलता में बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस क्षेत्र के कई दक्ष और अनुभवी लोगों द्वारा RSETI की निगरानी की जाती है। दरअसल हमारे पास 2 शिक्षक और 2 कार्यालय सहायक हैं। यही 2 शिक्षक और निदेशक प्रशिक्षुओं को EDP यानी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर ज्ञान देते हैं। विशेष जानकारी के लिए हम बाहर से शिक्षक बुलाते हैं। एक नई शुरुआत का उत्सव, खुशी का जश्न, एक नई आशा का जश्न। ये लड़कियां अपने पाठ्यक्रम के सफल समापन का जश्न मना रही हैं। RSETI ने उन्हें एक नई उमंग के साथ अपना व्यावसायिक जीवन शुरू करने की क्षमता दी है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग पाठ्यक्रमों की मांग है, जैसे ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण लड़कियों में काफी लोकप्रिय है। मैं तुहानू जिहड़ा हैगा थ्रेडिंग दे बारे च दसांगी। थ्रेडिंग दे विच की हुंदा कि जिस तरह दा फेस होवे उसे अकॉर्डिंग ही आईब्रो कीती जांदी है। किसी कोर्स में पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार हैं, ये सुनिश्चित करने के बाद ही कोर्स शुरू किया जाता है। 18 से 45 वर्ष तक की उम्र का कोई भी इच्छुक उम्मीदवार कोर्स के लिए आवेदन कर सकता है, जिसकी अवधि 30 से 45 दिनों की होती है। व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के अलावा शिक्षक प्रशिक्षुओं को अपना कौशल प्रदर्शित करने का मौका देकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। उचित मार्गदर्शन और उत्पादों का आवश्यक ज्ञान इन प्रशिक्षुओं को एक व्यावसायिक मंच प्रदान करता है, और फिर सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक प्रशिक्षण के मेल से एक सफल उद्यमी तैयार होता है। अपने पाठ्यक्रम से संबंधित विभिन्न विषयों पर पुस्तकों से भरे पुस्तकालय इन भावी उद्यमियों को अतिरिक्त ज्ञान प्रदान करते हैं और साथ ही कई अन्य पहलुओं से परिचित कराते हैं। गेम्स के जरिए भी बच्चों को हम एजुकेट करते हैं, जैसे रिंग टॉस गेम है। वो बच्चे पहले तो सोचते हैं कि रिंग डालना है, ये तो काम ख़त्म हो गया, सिंपल सा काम है। लेकिन जब उसको हम रियल लाइफ के साथ उसको बताते हैं कि कितना आपने रिस्क लेना है। देखो, पहला आपने रिंग पाया, पहला वाले पार्ट नालों हुण दूसरे पार्ट।
प्रशिक्षुओं की मनोवैज्ञानिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए प्रशिक्षण में कुछ खेल भी शामिल होते हैं। रिंग टॉस का खेल शिक्षकों को प्रशिक्षु के जोखिम लेने की क्षमता का आकलन करने में मदद करता है। प्रदर्शन के अनुसार उनका मूल्यांकन किया जाता है, जिसे प्रशिक्षक द्वारा बारीकी से देखा जाता है। प्रशिक्षुओं को कड़ी मेहनत का महत्व समझने के लिए श्रमदान या अपना काम स्वयं करना अनिवार्य किया गया है। जो कठोर परिश्रम का महत्व समझता है, वो निश्चित रूप से भविष्य में एक सफल उद्यमी बन जाएगा। संस्थान के परिसर में लड़कियों का एक अलग छात्रावास उन्हें सुरक्षा और सम्मान की भावना प्रदान करता है। कक्षा के समय के बाद अध्ययन के लिए एक निश्चित टाइम टेबल के कारण वे अपने समय का बेहतर तरीके से उपयोग कर पाती हैं। आरसेटी द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं उन्हें समान पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले अन्य प्रशिक्षण संस्थानों की तुलना में अलग और वांछनीय बनाती हैं। जिहड़े दूसरे कंप्यूटर वाले आ जां इंस्टीट्यूट आ, उह आपां नूं सिर्फ ट्रेनिंग दिंदे आ, पर ये ट्रेनिंग के नाल नाल साढ़े अंदर इन्नी स्पिरिट भर देंगे कि वाकई सानू लगता कि असीं यार सब कुछ कर सकते। तो जो आदमी पहल करता है वह आदमी जिंदगी दे विच कामयाब हुंदा। प्रेरक विचारों से प्रशिक्षुओं में ऊर्जा और साहस भरने का नियमित प्रयास होता रहता है। काम दे प्रति इन्ना कि यानी कि वधिया मैं काम कर सकदा, किस तरह गाहक नाल डील करना वा, कल्ला काम करना ही नहीं हुंदा, मैं तुहाडे नाल मेरा बिहेवियर किदां वा ये भी मैटर करदा वा। काम वधाउण दी मैं मेरे अंदर सोच रहिंदी है, मैं काम नूं वध तों वध वधावां। मेरे नाल दो लड़के सीगे, हुण मेरे नाल कोई 15-16 बंदियां दी टीम है, वो सारा कुछ इत्थे जाके ही मैनूं पता लगा। स्वरोजगार से उनके पास विकास के लिए, वित्त के लिए, आय के लिए असीमित संभावनाएं होती हैं। जो हम एडमिशन करते हैं उस समय इतने बच्चे हो जाते हैं कि उनका छटनी करना मुश्किल हो जाता है। मतलब एक बैच में हम ज़्यादा से ज़्यादा 35 बच्चों को ले सकते हैं, मिनिमम 25, लेकिन एक कोर्स के लिए 150-150 बच्चे आ जाते हैं। आज हम एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है माइक्रोलैब आइस ब्रेकिंग सेशन, ऐसे गोल दायरे में घूमना। ये प्रशिक्षु विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक पृष्ठभूमि के हैं और चयन के मापदंडों के अनुसार उनकी आयु में भी अंतर हो सकता है। माइक्रोलैब आइस ब्रेकिंग सेशन जैसा खेल उन्हें एक सूत्र में बांधता है। वे एक दूसरे को समझते हैं और तुरंत दोस्त बन जाते हैं। शिक्षण की ये अभिनव विधि उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है और उन्हें समाज के लिए अधिक अनुकूल बनाती है। सिलाई तो कोई भी किसी को सिखा सकता है, लेकिन ये चीजें जो इंसान को खड़ा होने की शक्ति देते हैं, वो रूट सेट के अलावा मुझे नहीं लगता सर कोई कहीं सिखा सकता होगा। हारून साहब, आपके मित्रों के नाम क्या हैं? नहीम। शिक्षा का अर्थ है सीखना, और सीखने की क्रिया कभी नहीं रुकती है। एक सफल व्यवसायी बनने के लिए अपने अंदर कुछ कौशल विकसित करना होता है, अपनी आंतरिक शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता को समझना होता है। टावर मेकिंग के इस दिलचस्प खेल में प्रशिक्षु को आंखों पर पट्टी बांधकर एक हाथ से ब्लॉक का टावर बनाना होता है। उसकी टीम के सदस्य उसे पूरी प्रक्रिया के दौरान ब्लॉक की स्थिति के बारे में बताकर उसका मार्गदर्शन करते हैं। टावर मेकिंग का दिलचस्प खेल उन्हें व्यवसाय में शामिल जोखिमों और उनसे निपटने के तरीकों को समझने का एक नजरिया प्रदान करता है। यहाँ जो टीचर्स का पढ़ाने का तरीका है, बिजनेस को कैसे डेवलप करते हैं, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, ये सारी चीज़ें जो बताई जाती हैं, मोटिवेशन किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को मोटिवेट करना। कितने लोग बताएंगे कि आज से 5 साल के बाद आप अपने जिंदगी को किस तरह का देखते हैं? व्यापार प्रबंधन पर निरंतर व्याख्यान और व्यावसायिक रणनीतियाँ बनाने के तरीके प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
दिलचस्प भाषणों और बातचीत की सहायता से आरसेटी ऐसे उद्यमी तैयार करता है जो व्यवसाय स्थापित करने की कठिनाइयों और उन पर काबू पाने के तरीकों को समझता है। व्यक्तित्व विकास और आत्मबोध संबंधी बातों से महत्वाकांक्षी उद्यमियों को आत्मनिरीक्षण करने का मौका मिलता है। उन्हें न केवल अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को समझने में सहायता की जाती है, बल्कि उनकी कमियों को दूर करने के तरीके भी उन्हें सुझाए जाते हैं। आज भी प्रतिस्पर्धी दुनिया में सफलता प्राप्त करने के लिए एक नए उद्यमी के लिए प्रेरणा ही एकमात्र मंत्र है। ये व्याख्यान प्रेरणा और सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया पर ही केंद्रित है। ये सुनिश्चित करने की प्रक्रिया चल रही है कि प्रत्येक आरसेटी के समान मानदंड हों, ताकि सभी आरसेटी में वही पाठ्यक्रम हो जो तकनीकी रूप से सही है, जिसकी उचित अवधि है और जो वास्तव में बेहतर आजीविका और बहुमुखी विकास प्राप्त करने में सहायक है। ये पाठ्यक्रम किसी विशेष क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार डिजाइन और संचालित होते हैं। इस विशेष क्षेत्र में एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन रिपेयर के पाठ्यक्रम की मांग अधिक है और प्रशिक्षित उम्मीदवार इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद सफलतापूर्वक आजीविका कमा रहे हैं। आरसेटी कुशल पेशेवर तैयार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रशिक्षित व्यवसायियों की बढ़ती संख्या कुशल भारत की संकल्पना को बढ़ावा दे रही है। आरसेटी एक आंदोलन है और एक क्रांति बनने के कगार पर है। देश के लिए की जा रही इनकी सेवाएं सर्वविदित हैं और पुरस्कृत भी। ग्रामीण विकास मंत्रालय और आरसेटी के सलाहकारों और उसकी टीम के निरंतर समर्पण के साथ आरसेटी एक नई पीढ़ी का निर्माण करने के मार्ग पर अग्रसर है। वो पीढ़ी जो आत्मनिर्भर और प्रगतिशील होगी, वो पीढ़ी जो एक नया भारत बनाना चाहती है, एक कुशल भारत, एक खुशहाल और विकसित भारत।